शनि जयंती पर मिलेगा विशेष लाभ। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मित्रों, शनि के जन्म दिवस पर किया गया एक उपाय आपके जीवन में शनि से आपको जितने भी कष्ट हो रहे हैं उनसे मुक्त करेगा। बहुत सारे लोग मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो शनि से पीड़ित हैं। शनि का मतलब आपके जीवन में शनि कहाँ कहाँ प्रभावित आपको करता है, आपके लगन के केंद्र में यदि हैं, यानी कि जो चार केंद्र होते हैं वहां पर यदि शनि की दृष्टि है या शनि है, आपके लग्नेश शनि है, आपके ऊपर महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में जिस समय पर शनि है, या आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी या शनि की ढैया चल रही है, तो आप मानकर चलिए आपके जीवन में अलग अलग तरीके के व्यवधान आने लगते हैं। कभी काम में व्यवधान आएंगे, कभी रिश्तों में व्यवधान आएंगे, आपके ऊपर आपके जीवन में आरोप प्रत्यारोप आक्षेप आपके ऊपर लगने लगेंगे, आपको कोर्ट कचेरी झेलना पड़ सकता है, या आपके खिलाफ बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र करके आपको फंसाया जा सकता है। ये शनि के सब प्रकोप हैं और शनि से संबंधित कार्य हैं। तो आपको यदि इन सब से बचना है, यानी कि आपकी कुंडली में भी शनि संबंधी समस्या है, शनि से आप कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, कुंडली के लगन की बदौलत या आप कह सकते हैं महादशा अंतरदशा पितृदशा या साढ़े साथी और ढैया की वजह से, तो आपको इस वीडियो में बताया गया उपाय शनि जयंती पर करना चाहिए। यह विशेष उपाय करने से आपके जीवन में शनि से आपको मुक्ति मिलती है, यानी कि जो आपको अभी नुकसान हो रहे हैं वो आपको लाभ में बदल जाते हैं। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम पर। आज हम बात कर रहे हैं शनि जयंती की। शनि जयंती की जब हम बात करते हैं तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती यानी शनि का जन्म दिवस मनाया जाता है। जो इस वर्ष में 2024 की अगर हम बात करें तो 6 जून 2024 को मनाया जाएगा, और 6 जून 2024 को जब हम शनि जयंती मनाएंगे तो शनि के किए गए बहुत छोटे से उपाय से आप अपने जीवन में शनि के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आप इस उपाय को अपने लिए स्वयं भी कर सकते हैं, इस उपाय को महिला या पुरुष कोई भी कर सकते हैं। दूसरा, अपने घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, या माता पिता अपनी संतान के लिए भी इन उपायों को कर सकते हैं। यदि उनके घर में शनि से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो परिवार का सदस्य अपने घर के परिवार के सदस्य के लिए कर सकता है। जो रिश्ते मैंने बताए हैं उनके अनुसार इन उपायों को करने से लाभ मिलता है। क्या करना चाहिए? दो विशेष उपाय हैं जिनको करने से शनिदेव के जितने भी कष्ट हैं उनसे बहुत आसानी से मुक्ति मिलती है। खास तौर पर यह उपाय शनि जयंती के दिन किया जाए। आपको पहला उपाय यह करना है कि शनिदेव के लिए शाम के समय पर आप 1.25 किलो साबुत उड़द ले लीजिए, जो काले वाले उड़द होता है, साबुत 1.25 किलो उड़द ले लीजिए, और आप लगभग 300 से 500 ग्राम दही ले लीजिए, और दही और उड़द को दोनों को आपस में किसी बर्तन में डालकर मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद अपने घर के आसपास कोई ऐसा जगह ढूंढिए जहां पर पीपल का पेड़ आपको मिल जाए, और वह पीपल का पेड़ जब आपको मिल जाएगा तो जो 1.25 किलो आपने लिए हैं, जो साबुत उड़द और जिसमें आपने दही मिला लिया है, उसको बर्तन के साथ लेकर जाएं। यदि मिट्टी का बर्तन मिल जाए तो सबसे अच्छा है मिलाने के लिए, अगर ना मिले तो कोई भी बर्तन आप प्रयोग कर सकते हैं, और उस 1.25 किलो जो साबुत उड़द है जिसमें दही मिला हुआ है, जो पीपल का पेड़ है उसकी जड़ के चारों ओर आपको डालना है, यानी कि शनि जयंती के दिन 1.25 किलो उड़द दही में मिक्स कर दही मिक्सर बनाकर दही के साथ मिक्स करके आपको पीपल के पेड़ की जड़ में चारों तरफ डाल देना है, और अपनी प्रार्थना बोलनी है जो आपके जीवन में शनि से कष्ट मिल रहे हैं उससे संबंधित मनोकामना बोलिए और आप आ जाइए। यह कार्य शनि जयंती पर शाम के समय होगा, यानी कि जिस समय सूर्यास्त हो रहा होगा उस समय पर यह उपाय किया जाएगा। इस उपाय को करने से शनि बहुत अच्छे लाभ देते हैं, आपके जीवन में पॉजिटिव इंपैक्ट देते हैं। अगला उपाय जो आपको करना है वो ऐसा उपाय है जिसको आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय के लिए विशेष कोई समय की आवश्यकता नहीं है। आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं, आप इस उपाय को शाम को भी कर सकते हैं। आपको करना बस इतना है, अपने घर के आसपास कोई भी अंधा व्यक्ति ढूंढ लेना है। अब वो पूर्ण रूप से अंधा हो सकता है या वो आंशिक रूप से आंखों से परेशान हो सकता है, यानी कि उसकी एक आंख हो सकती है, या उसको बहुत कम दिखता है या दिखता ही नहीं है, उसको अंधों की श्रेणी में देखा जाता है। वो कोई गरीब व्यक्ति होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर में भोजन बनवाइए,
और भोजन आप अपनी इच्छा से जो उनको खिलाना चाहते हैं आप ऐसे बनाइए जैसे आप शनिदेव को खिलाना चाहते हैं। इसमें कोई भी काली वस्तु अवश्य बनवाएं, जैसे आप उड़द की दाल अवश्य बनवाएं, या अगर उड़द की दाल ना बन पाए किसी कारण से तो कोई काली मिठाई का आप प्रयोग कर सकते हैं। और आपको वो खाना घर पर बनवाकर, चाहे वो पूड़ी सब्जी बनवाएं, चाहे रोटी बनवाएं, अपनी इच्छा से अपने घर में खाना बनवाएं, और वो खाना ले जाकर आप उस अंधे व्यक्ति को जो आपने तलाशा है उसको खिलवाएं, पानी दें उसको, क्योंकि गर्मियां हैं तो ठंडा पानी उसको दें। जो व्यक्ति घर से दूर हैं और इस उपाय को करना चाहते हैं और घर में भोजन नहीं बनाते हैं, ऐसे में वो ऐसी व्यवस्था देखें जहां पर प्रॉपर एक थाली टाइप का मिलता है, प्रॉपर थाली लें और उस थाली को ले जाकर उस गरीब अंधे को भोजन कराएं। यानी कि किसी भी अंधे व्यक्ति को शनि जयंती पर कराया गया भोजन आप मानकर चलिए शनि को बहुत खुश कर देता है और आपके जीवन के सारे कष्टों से आपको मुक्त करता है। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।